आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं नायका का हॉल। मैंने कुछ वेडिंग सीरीज चालू किया है अपने इस चैनल पे, सो काफी सारे मैंने आउटफिट्स मंगवाए हैं नायका से, जो कि मेहंदी, संगीत, वेडिंग्स एंड मोर देन हल्दी आउटफिट्स है इसमें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फ्रॉम मी। सो मैंने ये जो है सारे पैकेट, ये सारे नायका के हैं। ये नायका का एक अमेजिंग हॉल होने वाला है, ऑब्वियसली वेडिंग जो है स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो ऐसे कुछ वीडियोस बनाते हैं जिससे मेरे जो ऑडियंस है उनको हेल्प भी मिल जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं, सो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। सो द वेरी फर्स्ट आउटफिट इज दिस रेड वन, विच यू कैन वियर ऑन संगीत और एनी अदर फंक्शंस एज वेल। सो अभी देखते हैं एक एक करके कि ये कैसे आया है। सो दिस इज द चुनरी गाइस, ये चुन्नी मुझे बहुत प्यारी लगी। ये साइड में जो है इसके लिए एकदम स्मॉल ऐसे छोटा सा लेस लगा हुआ है, मतलब पूरे इसमें है, और ये ऐसे पिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है इसमें। इसका ये प्लाजो है, प्लाजो नहीं सॉरी, ये स्ट्रेट फिट एक पैंट है जिसमें ऊपर में इलास्टिक दिया हुआ है, ये देखिए ऐसे है। ये कुर्ती दी हुई है जिसका लुक बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा अनारकली लुक है, और स्लीव्स जो है ये 3/4 है, एंड यहाँ पे जो है ऐसा ये दिया हुआ है लेस, आप इसे टाई भी कर सकते हैं, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं झुमका, सो ऐसा छोटा सा इसका दो झुमके दिए हुए हैं साइड में टाई करने के लिए। एंड दिस इज़ द ब्रांड फ्रॉम गायरा, और जो भी इसका कॉस्ट है वो मैं जो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, एज यूजुअल मैं जो लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे ऑर्डर्स करते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा आउटफिट कितने का है, बट दिस लुक सो सो प्रीटी विच यू कैन वियर ऑन संगीत और मे बी ऑन लाइक हल्दी में, तो आप अगर कुछ डिफरेंट वाइब्स देना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, बट संगीत के लिए दिस इज द परफेक्ट आउटफिट, और कुछ सगाई है या कुछ है एंगेजमेंट वगैरह तो उसमें भी आप जो है वियर कर सकते हैं। और ये ऐसे थोड़ा सा इसका जो है ना ये बना हुआ है, इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है छोटे छोटे से, जैसे छोटा सा फ्लावर्स जैसे, सो लुक एट दिस वन। और इस ड्रेस के साथ में ये रबर बैंड भी आया है जिसे आप अपने हेयर्स पे टाई कर सकते हैं, एंड उसके साथ इसका जो है वाइब्स अलग ही है, ये रेड कलर का है विच गोज़ विद द आउटफिट वेरी वेल, बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको टाई करना पसंद है वो अपने हेयर्स को टाई भी कर सकता है और ओपन भी छोड़ सकता है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट आउटफिट, और अब हम लोग चलते हैं सेकेंड आउटफिट की तरफ और देखते हैं वो आप कहाँ पर पहन सकते हो। बॉटम कितना सुंदर है ना, और ये साइड में इसका बॉटम जो है वो बहुत ही सुंदर है, और ये रियोन मटेरियल में है, एंड दिस कम्स विद द इलास्टिक पैंट विच इज़ वेरी गुड, और साइड में जो है दो पॉकेट्स भी है, और बहुत ही प्यारा है ये देखिए, इसका जो फिट है एकदम परफेक्ट है। ये इसका रहा दुपट्टा विच इज़ अ वेरी सिंपल, बिकॉज जो इसका ये है मतलब जो कुर्ती है उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क दिया हुआ है, इसीलिए ये देखिए कितना सुंदर सा ये शॉर्ट कुर्ती के साथ आया हुआ है। एंड दिस इज़ द ब्रांड फ्रॉम जूनिपर, बहुत ही अच्छा है, अगेन इसका जो कॉस्ट है वो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये देखिए ये एक शॉर्ट कुर्ती है, साइड में ऐसे कट है, और ये इसका जो है वर्क है बॉटम, मतलब इसमें जो नीचे का पार्ट है इसमें थोड़ा जो है एक ब्रॉड सा वर्क दिया हुआ है जिसे आप जो है वेडिंग में पहन सकते हैं, वेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट आउटफिट है। अगर आपको सिंपल सा मतलब रखना चाहते हैं तो बस हेवी ज्वेलरी अगर इसके साथ आ जाएगी ना, ये एकदम परफेक्ट लुक देगा आपके वेडिंग पे।
मतलब आप किसी की वेडिंग में जाते हैं तो पहन कर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा, और इसमें स्लीव्स नहीं है लेकिन जो अंदर में है इसका स्लीव्स भी दिया हुआ है, आप चाहे तो स्लीव्स भी लगा सकते हैं या फिर इसे स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। अगेन मैंने इसका जो साइज मंगवाया है वो एल साइज है, मैं सारे जो आउटफिट्स है उसका एल साइज ही मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे एकदम फिट वाला पसंद नहीं है, थोड़ा लूज सा पसंद है, बैगी बैगी, मतलब इसमें बैगी नहीं होता है एक्चुअली, ये परफेक्ट फिट आता है मुझे एल साइज। तो ये रहा एक आउटफिट, ये आप वेडिंग में भी डाल सकते हैं। वेस्टर्न में एक गाउन है, ये देखिए एकदम परफेक्ट है, जिसे आप कोई भी सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी के साथ डाल सकते हैं, और ये ऐसा कुछ है एंड दिस इज द ग्रीन, और आप इसे रिसेप्शन पे भी यूज कर सकते हैं, अगेन दिस इज द परफेक्ट फिट। और ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ इसका है एंड साइड से ये पूरा ओपन है, मुझे तो ये वाला बहुत पसंद है, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं रिसेप्शन में इसे जो है ज़रूर वियर करूँगी। तो ये वेडिंग में आप रिसेप्शन में ज़रूर मतलब वियर कर सकते हैं, वेडिंग सीरीज जो मैं चला रही हूँ अपने इस चैनल पे, तो उसके लिए एकदम ये परफेक्ट आउटफिट है, ये देखिए। और रिसेप्शन में तो वैसे भी बहुत सिंपल मतलब लगता है, बहुत सिंपल रहता है, तो आप ये सिंपल सा एक आउटफिट जो है वियर कर सकते हैं रिसेप्शन के लिए। सो दिस इज द रिसेप्शन आउटफिट। सो ये रहा अगेन एक दूसरा आउटफिट, अगर आप ग्रीन कलर पसंद करते हैं पहनना तो बहुत ही सुंदर है, एकदम डार्क ग्रीन नहीं है गाइस, ये लाइट ग्रीन है। अगेन दिस इज द गरारा, और इसका गरारा थोड़ा उस गरारा के कंपेयर में थोड़ा ब्रॉड है, एंड दिस इज द बॉबी प्रिंट विच इज अगेन वेरी वेल, मतलब वेरी गुड, ये बहुत जो है बहुत सारे लोग ऐसे पहनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये अगेन कम विद द इलास्टिक पैंट, मतलब इलास्टिक दिया हुआ है इसमें गरारा में, तो ये परफेक्ट है एकदम, ये देखिए कुछ ऐसा लुक है इसका। सारी चीज़ों को जो है मैं पहनकर भी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें पहनना चाहिए। एंड ये रहा इसका जो कुर्ती है, अगेन दिस इज़ द शॉर्ट कुर्ती, और यहाँ पे नेक पे इसका जो है वर्क दिया हुआ है, एंड दिस इज़ द लटकन ऑन द बैक साइड, एंड गाइस दिस इज अगेन द ब्रांड फ्रॉम जूनिफर, तो ये जूनिफर का आउटफिट है, ये देखिए। एंड द स्लीव्स इज अगेन 3/4, और ये जो स्लीव्स है इसमें इसका छोटा ऐसा लेस लगा हुआ है विच इज़ अगेन वेरी गुड, और ये बॉटम में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे साइड में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसका नेक पे ही बहुत ज़्यादा वर्क दिया हुआ है। सो ये रहा इसका दुपट्टा, और दुपट्टा बहुत ही सिंपल है, साइड में जो है ये गोल्डन कलर का ऐसे लेस लगा हुआ है चारों साइड में विच इज अगेन वेरी प्रीटी। और ये रहा एक आम फिट, परफेक्ट फॉर लाइक आप कोई भी इसमें फंक्शन में पहन सकते हैं। वेडिंग का एक फंक्शन में मतलब पहनने के लिए ड्रेसेस है, तो इसमें से आप कुछ भी जो है चूज कर सकते हैं, अगेन द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, तो नेक्स्ट मैंने जो है आउटफिट ऑर्डर किया है ये प्यारा सा विच इज़ अगेन वेरी डिफरेंट, तो ये एक वेस्टर्न वियर है गाइस, जिसे आप परफेक्टली मतलब संगीत एंड रिसेप्शन के अकॉर्डिंगली आप वियर कर सकते हैं,
और दिस इज अ मल्टी कलर, तो इसमें जो ज्वेलरी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ ब्रांड फ्रॉम फैशॉल, तो जो सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मैं दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस वन, ये एक धोती स्टाइल में ड्रेस है गाइस, यहाँ से ऐसे ओपन है और ये रहा इसका, तो इसमें गोल्डन ग्रे पिंक ऑरेंज सारा कुछ कलर जो है मिक्स है, बेसिकली दिस इज द मल्टी कलर ड्रेस। सो ये रहा मेरा सारा जो आउटफिट्स मैंने ऑर्डर किया है फॉर द वेडिंग सीजन। अब आता है टर्न हल्दी आउटफिट का, तो मैंने जो है 2 आउटफिट्स मंगवाए हैं हल्दी के लिए। सो ये ओपन कर रही हूँ फर्स्ट वन, तो चलिए अब करते हैं इसे ओपन। तो ये रहा सूट और उसके साथ आई है चुनरी एंड दिस इज बॉटम और ये रहा कुर्ती। तो कुर्ती का लुक कुछ ऐसे है, मैं पहन करके आपको दिखाऊंगी। ये स्लीवलेस है कम्प्लीटली एंड कॉलर वाला ऐसे है इसका ये, और चुनरी एकदम सा सिंपल सा लुक है। ऑब्वियसली हल्दी है तो हल्दी के लिए एकदम सिंपल आउटफिट है। चुनरी में ऐसे जो है साइड से पूरी लेस लगी है और ये बुट्टे लगे हुए हैं चारों साइड में, और स्ट्रेट फिट इसके साथ पैंट आया है एंड दिस पैंट कम्स विद द इलास्टिक, ये देखिए। तो ये एक आउटफिट मैंने हल्दी के लिए मंगवाया है। ये एक अनारकली कुर्ती है, तो ये देखिए इसमें यहाँ पे वर्क है और इसकी जो स्लीव्स है वो भी 3/4 है, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे बुट्टे लगे हुए हैं इसके, और साइड में जो है ऐसे लेसेस दिए हुए हैं 2, जिसे आप पीछे भी नॉट कर सकते हो या फिर सामने भी कर सकते हो। तो इसका जो लुक है ये ऐसा है कम्प्लीट लुक, नीचे में जो है ऐसे बॉर्डर है इसका ब्रॉड वाला जिसके साथ लेस लगी हुई है। सो बताना कैसा लगा ये हल्दी आउटफिट आप लोगों को। सो गाइज ये था पूरा वेडिंग फंक्शन के अकॉर्डिंगली ड्रेसेस विच इज लाइक बहुत ही सुंदर सुंदर है। होप आपको जो ड्रेसेस है वो अच्छा लगा, और अगर ये हॉल आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फ्रॉम मी, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय आईडी इज poonam_travelfreak, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो आते आते लेट हो जाता है, सबसे पहले जो पोस्ट है रील्स है वो जाती है इंस्टाग्राम पे। सो आप मुझे फॉलो कर लेना, मेरी आईडी है poonam_travelfreak। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट video, till then bye.